करता पूर्त निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सत युगाद सत है भी सत नानक हो सी भी सच जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच डगमग छाट रे मन बोरा छाट रे मन बोरा डगमग छाट रे मन बोरा अब तो जरे मारे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदोरा डगमग छाट रे मन बोरा छाट रे मन बोरा डगमग छाट रे मन बोरा मन रे छाट परम प्रगट होए नाचो या माया के पांडे सूर के संग मुख रन ते डर पे सती के साचे पांडे सती के साचे पांडे सती के साचे पांडे छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा अब तो जरे मारे जिद पाई है लीन
तीनों हाथ संदोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदोरा। छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदोरा। छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा डगमग, छाड़ रे मन बोरा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
कवच मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे। एक बड़े प्यारी घटना याद आ गई। मेरे नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय की घटना। एक सिख हुआ है इतिहास में जिसका नाम है भाई कल्याणा। ये बनारस में रहता है। गुरु नानक का सिख है, नाम लेवा अमृत ले उठता है, नाम जपता है, और उसने एक धर्मशाल खोल कर रखी है। उस जमाने में गुरुद्वारों को धर्मशाल कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदिर हो गुरुद्वारा हो, उसे धर्मशाल कहते, धर्म का स्थान। वहां पर वो संगत को नाम जपाता है, अमृत वेले उठाता है, अमृत वेले वहां पर संगत इकट्ठी होती है, वो नाम जपाता है। नेत निरंकार की बनारस में गंगा के थोड़ी ही दूर उसका स्थान है, धार्मिक स्थान धर्मशाल। नेत निरंकार की बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। संगत को चिंता हुई, संगत ने अरदास की बेनती की गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में, नौवें गुरु नानक पाशाह के चरणों में। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी चलकर उसके पास आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी भक्ति होगी उसकी, कितना बड़ा उसका, कितने बड़े भाग्य होंगे उसके, गुरु तेग बहादुर से भी चल के उसके घर में, उस धर्म स्थान पे आए, धर्मशाल में आए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण पड़ते ही, दर्शन करते ही वो अरोग हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देह रोग हो गई, इतिहास में लिखे गुरु तेग बहादुर साहब जी उसके स्थान पर कई दिनों तक रुके, कई दिनों तक, काफी समय तक रुके, यहां तक लिखे कई हफ्तों तक रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन वो समय आया कि सारी दुनिया दूर दूर से गंगा में स्नान करने आ रही है, तो भाई कल्याणा जी तो ज्ञानी है, सब कुछ ज्ञान है उन्हें, नाम का, संगत को नाम से जोड़ते हैं, अमृत वाले से जोड़ते हैं। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी को बेनती कहते करते हैं, पाछा बहुत बड़ा दिन है, आज आपको भी गंगा में स्नान करना चाहिए, हम सब जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी भाई कल्याणा जी की तरफ देख के मुस्कुराए, कहने लगे कल्याणा स्नान करने में कोई हानि नहीं है, पर तू किस लिए जाना चाहता है गंगा में स्नान करने? कहने लगे आज गंगा के स्नान करने में बहुत फल मिलता है, इतना बड़ा तीर्थ है, आज के दिन स्नान करने से बहुत फल मिलता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे भाई कल्याणा तुझे तो ज्ञान है। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी समझ गए कि ये पुरातन युग, जो दास ने पहले बात कही, जो भीतर डाल दी गई है हमारे, वो इतनी जल्दी निकलती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे स्नान करने में कोई हानि नहीं है, जब जी जाया कि करो ना, आज के दिन ही क्यों, और ऊपर से इसलिए जाना है कि वहां पर पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, नाम ने तो सारे पाप खत्म कर दिए। अगर गंगा को नाम जपने वाला तो चाहे तो, दास ने कल भी ये वचन गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिखे हुए जो है, वही गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई कल्याणा से कहे कि नाम जपने वाला चाहिए तो सारी सृष्टि को अपने पास बुला ले, अगर तू कहे तो गंगा जी को यहां बुला लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याणा हैरान हुआ, कहने का पाछा ऐसे कैसे हो सकता है, लोग गंगा के पास जाते, गंगा चल के थोड़ा आती है हमारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा भाई कल्याणा नाम की ताकत को तूने अब तक पहचाना नहीं। फिर सामने एक पत्थर पड़ा था बहुत बड़ा, साथ संगत जी, संगत बहुत सारी खड़ी है, उस धर्मशाल के सामने एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा था, कई सालों से पड़ा था। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने के उस पत्थर को हटा दो।
गंगा से काफी दूर। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे उस पत्थर को हटा दो। जैसे पत्थर को हटाया, जैसे चश्मा फूट पड़ता है ना, ऐसे पानी फूट पड़ा वहां से। और पानी इतना जोरदार फूटा, इतिहास में लिखा है कि कुछ ही समय में वो जगह भर गई, कुछ ही समय बाद गलियां भर गई, शहर भरने लग गया पानी से। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, संगत ने बेनती की पाशा शहर डूब जाएगा। प्रत्येक बहादुर साहब जी कहने लगे ये गंगा है जिसके पास आप जाना चाहते थे। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। कहने लगे पाशा समझ गए, आपने ज्ञान दे दिया कि नाम जपने वाले के पास गंगा तो खुद आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बढ़ियाई नाम की है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे ठीक है, अगर ज्ञान हो गया है तो वो पत्थर उठा के वापस वहीं पर रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पत्थर उठाकर संगत ने वापस उस जगह पर रखा, वो पानी बंद हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जहां नाम जपने वाले के चरण पड़ते हैं तीर्थ चल कर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में तो इसके प्रति बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं कि तीर्थ बड़ा के हर का दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल भी ये पॉइंट आया था ना कि नाम जपने वालों की वजह से तीर्थ है, तीर्थ की वजह से नाम जपने वाले नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां जहां गुरु नानक ने चरण डाले तीर्थ बन गया, जहां जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कमर कसा खोल कर केवल बैठे 5 मिनट के लिए, वहां पे तीर्थ बन गया। जहां जहां राम जी गए वहां तीर्थ बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ बना क्योंकि नाम जपने वाले के चरण पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के समय की बात है, नानक सर के। बेनती की सेवादारों ने कि फलाने की मृत्यु हो गई, अस्थियां आई हैं, गंगा में डालने जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी मुस्कुरा के पूछते गंगा में डालने से क्या होगा। कहने लगे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक अस्थियां गंगा में रहती हैं, जिसकी भी अस्थियां उसे स्वर्ग, तब तक स्वर्ग में रखा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे ठीक है, जब तक अस्थियां गंगा में है तब तक स्वर्ग है। जब गंगा की सफाई की जाती है, सारी अस्थियां बाहर निकाल के फेंकी जाती है। फेंकी जाती कि नहीं? कहने लगे हाँ फेंकी जाती है। तब मतलब वो उनको स्वर्ग से निकाल के नरक में डाल दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि अपना संगी हो ना जो नाम जपता हो, कहते थे उसकी अस्थियां पीस कर ले आया करो। और यहाँ पर नानक सर में जहाँ पर संगत चल कर आती उस वह रेता होता था, वहां पे डाल दिया करो, संगत के चरण पड़ेंगे, पापी से पापी भी होगा मुक्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फिर से जन्म मिल जाएगा कि नाम जप ले, एक मौका फिर मिल जाएगा, 84 लाइन भगतनी पड़ेगी। संगत के चरण, नाम जपने वाले संगत साधु के चरणों की धूड़ मिल जाएगी उन अस्थियों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपने वालों के चरण धूड़ छू जाए तो इसके बारे में बड़ी प्यारी कथा है, वो दास फिर कभी लेगा। गुरु नानक पाशा से सवाल किया था किसी ने कि नाम जपने वाले के चरण धूड़ की ताकत क्या है, तो गुरु नानक पाशा ने सच्ची घटना अपने मुखारविंद से सुनाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ अपने मन को समझाएं कि मन ज्ञान को समझ, कब तक डर कर जाता रहेगा जहां भी जाना है, कब तक डर कर तीर्थों पे स्नान करेगा, कब तक डर कर नाम जपेगा। निडर होके जप, निडर कैसे होगा, सिंपल सी बात है, ये वाइस वर्सा है ना, सिंपल है। नाम जपेंगे तो डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो नाम जपेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब समझो, नाम जपने पहले डर नहीं खत्म होगा, पहले नाम जपने पर एक भाव मन में रखो, पाचा मेरा डर खत्म कर, मुझे मोह काम क्रोध लो मोह अहंकार से ऊपर उठा। ये मांगना कुछ गलत नहीं है, कबीर जी ने तो हर चीज मांगी, हर चीज, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, मुझे घी भी दे, मुझे खाट भी दे, चौपाई,
मुझे अच्छी पत्नी भी दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, खाट मांगो चौपाई, एक एक चीज मांगे, सिरहाना तलाई देसी घी, और आखिर में कहे पाछा मैं लालच में नहीं मांग रहा तुझसे, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि सब मेरे पास होगा तो मैं मन एकाग्र चित करके तेरा नाम जप सकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं ना ही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो, मैं लालच नहीं कर रहा तेरा नाम जपने के लिए, मन एकाग्र चित होने के लिए मुझे सब कुछ चाहिए ताकि मेरा मन भटके नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हम तो गुरु से मांग रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा दे, ये तो मांगना जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि पाछा मेरे ये खत्म करता कि मैं निडर होके तेरा नाम जप सकूं। आज डर के जप रहा हूं, पर एक समय ला दे कि डर खत्म हो जाए, प्रेम में तेरा नाम जप, कुछ पाने के लिए नहीं तुझे पाने के लिए नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन पटंबल पाही से तिजाले तूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तै सहना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि मैंने अपने सारे रेशमी कपड़ों को आग लगा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बात को ध्यान से समझना कि मैंने अपने जितने भी सुंदर कपड़े थे सबको आग लगा दी। क्यों? कि जिस मैंने ये नोट किया जिस चीज से मुझे प्रभु भूल जाए मुझे वो चीज नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तैसा है नाले, अगर मैं मिट्टी में भी लिबड़ा हुआ अगर तुझे अच्छा लगता हूं तो मैं अपने आप को गंदे कपड़ों से ढक लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसी सोच पर चोट की है कि तीर्थों के स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ये कह रहे हैं, यहाँ पर सुन लेना सात संगत जी, ये ना हो घर में जाके लोग अपने कपड़ों को आग लगा दें। अच्छे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बात की गहराई को पकड़ना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जैसे मेरे प्रभु को मैं अच्छा लगूं मैं वो काम करने को तैयार हूँ, जिस चीज से मुझे प्रभु भूल जाए मुझे वो नहीं चाहिए। अगर मेरे प्रभु को मुझे ज्ञान हो गया है कि मेरे गुरु नानक को मेरा मन भाता है मेरा शरीर नहीं, मुझे ज्ञान हो गया है कि अगर मेरा मन साफ है बाहर से कपड़े गंदे हैं मिट्टी से भरे हुए हैं तो भी मैं गुरु नानक को भा जाऊंगा, और अगर कितने भी सुंदर कपड़े पहन लूं अगर मेरा मन साफ नहीं तो मैं गुरु को नहीं भाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार। एक समय की घटना है, गुरु नानक पाछा मेरे धन गुरु नानक सच्चे पाछा, जब भाई मर्दाना जी ने शरीर त्याग दिया उसके बाद मेरे गुरु नानक पाशाह ने फिर से कभी यात्रा नहीं की, उदासी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद बुजुर्ग हो गए गुरु नानक पाशाह, तब भी उन्होंने हल जोता खेतों में मेहनत की, आराम से नहीं बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे को शिक्षा देने के लिए कि जब तक शरीर में जान है काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह हल वा रहे हैं और वहां पे हल वाने के बाद जब खेती करती है तो बहुत सारा घास काट के रखते हैं ना जानवरों के लिए। भाई लेना जी,
किसी शादी में से होकर आ रहे हैं। बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए उन्होंने, भाई लैना जी ने, अत के सुंदर वस्त्र। गुरु नानक पाशा ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, ये घास उठा। वो घास कीचड़ से भरी हुई, गीले। कहने लगे, सर पे उठा ले दो बंडल और साथ में चल। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और भाई लैना जी तो हुक्म के रूप थे, एक सेकंड भी नहीं सोचा, एक सेकंड मन में ख्याल भी नहीं आया। वो कीचड़ भरी घास सर पे उठा के और पीछे पीछे चल दिया, आगे आगे गुरु नानक पाशा, पीछे पीछे भाई लैना जी। जब घर पहुंचे तो माता जी कहते हैं, आप भी कमाल करते हो, इतने सुंदर कपड़े पहने भाई लैना जी ने और आपने कीचड़ भरी घास उन्हें सर पे उठा दी, पूरा उनके कपड़े कीचड़ से भर गए पर कीचड़ बह रहा है, ये क्या किया आपने? तो मेरे गुरु नानक पाशा कहते हैं, तुझे ये कीचड़ दिखाई दे रहा है, जब किसी राजा को राजगद्दी पर बिठाना होना तो उसे केसर से स्नान किया जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मेरी नजरों से देख, एक केसर से भीगा हुआ है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पाशा जानते थे इन्हें कौन सी गद्दी मिलनी है सारी सृष्टि की। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यही ये पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तूड़ी विच लुंदी सोहा नानक तैसे नाले। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। यहाँ पर ये पंक्तियां पढ़ के ना बाबा कुंदन सिंह जी याद आ गए, तड़ी भी होना पाठ पटंबर पाई सेती जाले। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, इनका जीवन सत्संग जी इतना सादा कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पे सुनकर आदमी हैरान ही हो जाता है। सारा जीवन उन्होंने कभी आईना नहीं देखा, उनके कमरे में आईना ही नहीं होता था, शीशा ही नहीं देखा अपना चेहरा। हम घंटों आईने के सामने बैठे रहते हैं, उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं देखा। देखा तो गुरु नानक को, कि भाई आंखें देखे तो गुरु नानक। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कोई भी कीमती सामान, कोई भी बहुत सुंदर कोई चीज उन्हें लाके दे देता तो वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। इतना सुंदर, ये तो बाबा नानक सिंह जी को अच्छा लगेगा, ये तो बाबा ईश्वर सिंह जी को अच्छा लगेगा, ये तो गुरु नानक के चरणों में होना चाहिए। कोई बहुत प्यारी बहुत सुंदर चप्पल लाके दे दे अमेरिका से, यहाँ से वहां से लाके, वो चप्पल वो भेज देते थे भोरे शहर में जहाँ बाबा नानक सिंह जी के स्थान है, वहां पर रख देते थे उनके आगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अगर उनको कोई कपड़े प्रेस करके दे दे तो कपड़ों को पहले पूरा क्रीज खराब करते थे अच्छी तरह से, फिर पहनते थे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कमाल के पहले, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो पंक्तियां गुरबानी कह रही हैं उस पर अपना जीवन ढाला उन्होंने। धनी विहुणा पाट पटंबर बाही सेती जाले, धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आस्था इतनी ऊंची कि जिसकी तरफ देख ले जो चाहे दे दे, केवल एक दृष्टि से। और मन कहाँ रखा है, इतना नीवा, मन नीवा मत उच्ची। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन कपट हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी का ये उच्चारण किया हुआ शब्द, हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां विलोवस पानी।
हृदय में तेरे कपट है, मुख से तू ज्ञान की बातें करता है, क्यों पानी को रिड़क रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने का भाव कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली का खाली रह जाएगा। हृदय में कपट है, मुख से ज्ञान की बातें करता है, ध्यान देना हमारा प्रकरण वही है, सोचा सोच न हो गई। कबीर जी इसी बात को अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी। अगर मक्खन चाहिए तो दही को रिड़कते हैं ना, तो मक्खन निकलता है। पानी को रिड़कने से कुछ नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं तेरे हृदय में कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करता है। ये ऐसे ही है जैसे पानी को कोई रिड़क रहा हो कि मक्खन निकल आएगा, नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तेरे अंदर साफ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर साफ तीर्थों पर स्नान करके नहीं होगा। काया मांजस कौन गुना, काया कितनी बार भी धोले, इस शरीर को हजार बार करोड़ बार धोले, जो गट भीतर है मलना, मैल तेरे हृदय पे चढ़ी है, धो तू शरीर को रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई फायदा नहीं। लौकी अठसठ तीर्थ नाई, कौरापन तो ना जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे कबीर बिचारी भव सागर तार मुरारी। कबीर जी कहते मैं विचार विचार कर ये बात कह रहा हूं, सारा अपनी इतनी सोचने की शक्ति प्रभु ने मुझे दी है, सारी शक्ति लगाकर एक बात कह रहा हूं कि मैं विचार कर कह रहा हूं कि मेरी अरदास है प्रभु से कि मुझे तार दे बस, नाम ही तार सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और कुछ नहीं तार सकता, ना ज्ञान की बातें ना तीर्थों पे स्नान, कुछ भी तेरा भला नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लौकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरापन तो ना जाई। इस ये जब पंक्तियां कबीर जी ने उच्चारण की थी, इस शब्द को उच्चारण करने के पीछे घटना है छोटी सी, वो भी सुन लेते हैं। कबीर जी के पास बहुत सारे लोग आकर रहते थे शिष्य ज्ञान हासिल करने के लिए। एक समय आया बहुत सारे लोग उनके घर में आए, साधु महात्मा। कबीर जी ने सेवा की। जब वो जाने लगे तो उन कबीर जी का एक शिष्य कहने का, मैं भी इनके साथ जाऊं, ये सब जा रहे हैं तीर्थों पर स्नान करने, मेरा भी मन है कि मैं तीर्थों पर स्नान कर रहा हूं, मेरे भी पाप दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं भी पवित्र हो जाऊं। कबीर जी कहने के, तुझे मेरे साथ रहते इतना समय हो गया, तुझे ज्ञान नहीं हुआ। कबीर जी के समझाने के बाद वो उदास हो गया, पर फिर से बेनती की, मुझे जाने दो, मैं इनके साथ हुआ हूं, आपकी प्रसन्नता हो तो जाऊं, आपको नाराज करके मैं नहीं जाना चाहता। कबीर जी समझ गए ये बातों से नहीं समझेगा। कबीर जी ने उसे उस वक्त एक लौकी दी जो बहुत कड़वी होती है। लौकी ये कद्दू को नहीं कहते, उस लौकी एक तरह की सब्जी ही होती है, पर वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है, दवाई बनाने के काम आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने उसे वो लौकी दे दी, कहने लगे मेरा एक काम कर, तू कितने सारे तीर्थों पे स्नान करेगा। कहने लगे हाँ सारे तीर्थों पे स्नान करूंगा। कहने के साथ में इसे भी स्नान कराते जाना, जहां पे तू स्नान करे इसे भी कराते रहना। उसने कहा ठीक है सात वचन जैसे आपको। जब साल दो साल बाद वापिस आया तो कबीर जी कहने लगे मेरी लौकी का है, उसने निकाल के दी, ये है। साथ में साधु महात्मा भी बहुत सारे थे जो साथ में गए थे, वापिस आए, फिर से भोजन बना। कबीर जी कहने लगे अब इस लौकी को काट के सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। जब सबकी थाली में रखा, कोई खाए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये तो कड़वी होती है, जहर होता है, कैसे खाए। कबीर जी कहने लगे इसने इतने सारे तीर्थों का स्नान किया है, अब इसमें कहां जहर है, ये तो अमृत हो गया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसके अंदर की कड़वाहट तो खत्म हो जानी चाहिए, इतने सारे तीर्थों का इसने स्नान किया है, कहां इसमें दोष ढूंढ रहे हो। सब ने फिर कबीर जी के वचन मान के मुख में जैसे ही लौकी डाली, सब ने निकाल दी मुंह से, वो कड़वा जहर के जैसे कड़वा हो गया वो। सब कहने लगे कबीर जी आपके कहने पे खा तो लिया, वो
मुंह में डाल ली, पर ऐसे होता थोड़ा है, लौकी थोड़ा कड़वापन छोड़ देगी अपना तीर्थों पे स्नान करने से। कबीर जी कहते मैं यही तो समझा रहा हूँ, कब से समझा रहा हूँ कि लौकी 68 तीर्थ नाई कौरापन तो ना जाए। अगर लौकी का स्नान कराने से उसका कड़वापन नहीं गया, इंसान के अंदर के विकार कैसे धुल जाएंगे पानी के स्नान से। घर से बोलिए धन गुरु नानक, बाहर की मैल धुल जाएगी, मन की मैल केवल नाम धो सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात रिपीट कर दी, यहाँ पर गुरबाणी तीर्थों पर स्नान करने का खंडन नहीं कर रही। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे धरती के नीचे पानी है सबको पता है, पर प्रगट तो वहां पे नहीं जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे तालाब है। इसी प्रकार भगवान सृष्टि में हर जगह पर है, पर तीर्थों पर प्रकट है ना, इसलिए जाने का मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पर जाने का खंडन नहीं किया, स्नान का खंडन नहीं किया, स्नान करने के तरीके पर, स्नान करने की सोच पर चोट की है। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि केवल पानी के स्नान से तर जाएंगे, नहीं होगा जब तक उसमें वाणी शामिल नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के बिना तो नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले, एक एक चीज में नाम पूजा कीचे, नाम ते आये बिन नामे पूज ना होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मंदिर में जाते हैं, नारे लेके गए, फूल चढ़ाए, माथा टेका आ गए, भगत चोट करते हैं, कहते कैसी पूजा, पूजा कीचे नाम ते आये। अगर तू पूजा करने गया है तो बैठ के नाम जप, अगर नाम नहीं जपा तो किस बात की पूजा। बिन नामे पूज ना होई, बिना नाम के कोई पूजा नहीं होती, उल्टा पाप चढ़ता है। गुरु नानक पाशा के भजन है जन्म साखी में, जो लोग नारियल फूल ये सब चीजें लेके भगवान के आगे रखते हैं और नाम नहीं जपते, वो चीजें श्राप देती हैं इंसान को कि तूने मेरा वेस्ट कर दिया मुझे, क्योंकि नाम नहीं जपा। जिस चीज में नाम नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी बहुत प्यारी बहुत बड़ी घटना है और इसे गुरबानी प्रमाणित करती है, ये मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी मंदिर में गए हो, किसी भी धार्मिक स्थान पर गए हो, बैठ के 15-20 मिनट नाम नहीं जपा तो कहां गए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना कोई चेंज आएगा, ना कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं हम रोज गुरुद्वारे माथा टेके जाते हैं, कुर्बान, गुरु के दर्शन करना कुर्बान, पर गुरु कहता क्या है वो तो करो। जिसे माथा टेक रहे हो वो कह रहा है कि अमृत ले उठ के नाम जपो, जिसे माथा टेक रहे हो वो कहता है कि बैठो थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी गुरुद्वारे में गए, किसी मंदिर में गए हो सके, जरूर 15-20 मिनट बैठकर नाम जप कर वहां से आया करो तो कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाओ अपने मन को, समझ मन बौरा रे, 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 समझ मन बौरा हर रात, बिखे बाज हर रात, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा, तीरथी
मन खोटे तन चोर। एक पाओ लती ना तेया ओ दोए पा चढ़ी अस होर। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मेरे गुरु नानक पातशाह इस शब्द में समझाते हैं कि नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। मन में खोट है, तीर्थों पे जाके भी कई लोग चोरी करने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में जितने ठग आपको तीर्थों में मिलेंगे ना, और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है यहाँ पर धर्म के नाम पे जितना चाहे उतना ठग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में तो यहाँ तक लिखा है वो हर के संत ना किए बनारस के ठग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। कई लोग गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर चप्पल चोरी करने भी जाते हैं, मोबाइल चोरी करने भी जाते हैं, चोरी करने ही आते हैं। अब तीर्थों में स्नान वो भी कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन में क्या है कि चोरी करनी है। गुरु नानक पाशा कहते तो जा रहा है तीर्थों पे स्नान करने, ये सोच के भी जाता है कि वहां मेरे पाप कट जाएंगे। पर कहते हैं एक पाप अगर तू उतार भी लेगा दो चढ़ा कर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भाव लथी नातिया दो भाव चढ़िए सहोर। और केवल सात संगत जी ये चोरों की बात नहीं है, हम अपने आप को ही ले लें। अगर सोच सही नहीं है वहां जाकर, राज तो कई बार ये बात कहता है, सोचता भी है। एक तो होता है चोर चोर दिखाई देता है, एक तो होता है ठग ठग दिखाई देता है, डाकू डाकू दिखाई देता है। जो धर्म के नाम पर ठगते हैं ना वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, लोग उन पर भरोसा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार वो बख्शे जा सकते हैं, पर जो धर्म पे नाम पे ठगता है उसका बख्शा जाना बहुत मुश्किल है, बहुत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर। ये तुमड़ी उसी चीज को कहा है जिसको कबीर जी ने लौकी कहा है। बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर, साध पले अण नातिया चोर से चोरा चोर। ये कितनी प्यारी पंक्ति है, कितने गहरे अर्थ है इसके। साध पले अण नातिया, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं मेरे गुरु नानक सृष्टि के मालिक, कहते साधु जो नाम जपते हैं वो तीर्थों पे स्नान कर ना करके भी साधु है, और चोर तीर्थों पे स्नान करके भी चोर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध पले अण नातिया, वो नान है ना स्नान करे तीर्थों का तो भी साधु है, क्योंकि नाम जपते हैं चोर। और तीर्थों पे स्नान करता भी है तो भी चोर ही है। तो वड़ियाई किसकी है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिखे बाच हरि राच समझ मन बोर, सोचे सोच न होवे। गुरु नानक पाशाह सिद्धों को ज्ञान दे रहे हैं। सिद्धों ने सवाल किया था, गुरु नानक पाशाह ने सिद्धों से सवाल किया कि सच्चारा होइए कि कूड़ा तो टैपाल। सिद्ध जवाब दे रहे हैं कि अगर कूड़ को हटाना है तो ये कर्म करने हैं। गुरु नानक पाशाह ने जिन कर्मों का खंडन किया उसकी विचार इस पौड़ी में है। सोचे सोच न हो गई जे सोचे लखवार, चुप है चुप न हो गई जला रहा अवतार। आगे एक एक पंक्ति के अर्थ हैं, एक एक पंक्ति के प्रकरण हैं कई, और हमारी पंक्ति चालू है सोचे सोच न हो गई। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पकड़ी है गुरु नानक पाशाह ने, क्योंकि 99% दुनिया ये मानती है कि तीर्थों पे स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी बहुत गहरी विचारें, बहुत गहरी, बहुत सारी विचारें अभी तक ली ही नहीं है। इस मन को समझाओ, सारे ज्ञानों में ज्ञान, सारे ध्यानों में ध्यान, सारे महापुरुषों की कमाई के एक ही वचन के नाम को पकड़ लो। बिखे बाच हरि राच, मन को एकाग्रचित करने का सबसे कई तरीकों में से एक तरीका है बे बाबा नंद सिंह जी के वचन, बे लोड़े मेल जोल को कम करो। भाव शादियों में, पार्टियों में, दोस्तों की महफिलों में, यहां वहां जितना कम लोगों से मिलोगे उतना मन एकाग्रचित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेलोड़े मेल जोल से बचो, सोशल मीडिया से जितना हो सके बचो। सोशल हर चीज की एक सबको पता है, छोटी सी बातें क्या दास बोले क्या बताए। हमारी मर्जी है ना, ग्लास में शराब पीनी है कि दूध पीना है, मोबाइल में क्या देखना है हमारी मर्जी है। कीर्तन भी सुन सकते हो दिन रात, गंदे गाने भी सुन सकते हो दिन रात, हमारी मर्जी है। कर्म हमारे हाथ में है, कर्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, निरंकार भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से सबने कहा कि आप चाहो तो महाभारत रोक सकते थे, कृष्ण जी कहते नहीं, ये गलत फहमी है सबकी। मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता, मेरा काम सही रास्ता गलत रास्ता बताना है। चुनाव इंसान का मैंने कभी नहीं खोया, वरना मैं दुर्योधन को मत बदलना देता, मेरे बस में होता तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अधिकार निरंकार ने किसी से भी नहीं खोए छीना है, हर इंसान के अपनी चॉइस है उसने क्या करना है। हम अमृत वेले उठने वाली संगत में से हैं, गुरु नानक ने तर्स किया है, हमें ये ज्ञान मिल रहा है तो हमारे फर्ज दूसरों के कई गुना ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिखे बाच हर राच, सर पे रुमाल बंधा हो अमृतला ट्रस्ट का और आदमी किधर दिख जाए शराब की दुकान के आगे तो लोग क्या बोलेंगे जरा सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पे रुमाल हो अमृतला ट्रस्ट का, अमृत वाले सोया पड़ा हो किधर एरोप्लेन में भी बैठा हो चाहे चाहे ट्रेन में हो, अगर वो सोया हुआ है कहाँ का अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है जितना बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ा। अमृत वेला गुरु नानक का है। बिखे बाच हरि राच, सारे काम छोड़कर भी अमृत वेला संभालो, सारे काम छोड़कर भी नित्यनेम संभालो, नित्यनेम बढ़ाओ। बिखे बाच, दूसरी चीजों से ध्यान कम करके कंसंट्रेशन नाम में लगाओ, और ये डर छोड़ दो क्योंकि जहां नाम है किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम करने जाना है पर डर के नहीं, खुशी से चाव में बैठो, ग्राहक नहीं आया तब तक नाम जपो। गुरु चाहे तो एक मिनट में उतनी कमाई दे सकता है जो पूरे 8 घंटे में देनी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे ये ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। क्या समझ मन बौरा रे, बिखे बाच हरि राच, बिक को त्यागने की ताकत बख्शे गुरु नानक मुझे भी।
और मन एकाग्रचित करके नाम जपने में मन लगे, चाव पैदा हो, गुरु नानक मेहर करे, हम सब पर मेहर करे, धन गुरु नानक। आइए समाप्ति करते हैं। कल गुरु नानक पाशाह तर्ज करके जो वो करवाए, जैसे कराए, फ्री होकर बिल्कुल, मेरा मन है कि जैसे गुरु नानक कराए वो करते जाऊं, बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जितने अर्थ करवाने हो करवा ले, जितने नहीं करवाने हो ना करवाए, सहज में चलते हैं, चलने का मन कर रहा है। पहले ना मैं बहुत सोचता था, बहुत विचार करता था, अब मैंने बहुत कम कर दिया है वो करना, क्योंकि इसमें आनंद बहुत ज्यादा है। अगर मैं कैलकुलेशन करके चलता हूँ ना तो आनंद कम हो जाता है, और विदाउट कैलकुलेशन चलता हूँ तो आनंद ज्यादा आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जितना जो गुरु नानक को बुलाने बुला ले, अगर नहीं कुछ आएगा तो फिर कीर्तन तो है ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ऐसे लगता है गुरु नानक बुलवा रहा है, वही बोल रहा है, मन को बहुत आनंद आता है। गुरु नानक मेहर करे, हम सबको वो आनंद की प्राप्ति हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बिखे बाज
समझ मन बारा Shiva.
शिव जी सदा जय गुरु जी की। ओ